रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लगा कलंक में मिटा नहीं देता, मैं चैन से नहीं रहता। या तो तुम आज मुझसे शादी कर लो या फिर उस बदनाम लड़की को ढूंढ लो। तुम दोनों मुझे धोखा दे। हकीकत तो यह है कि अब तक हम जो करते आए हैं वो पूजा के इशारों पे ही किया है। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है ना, तो ये वरमाला क्यों? मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर देता। अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग, आप सब लोग प्लीज कृपा करके यहां से चले जाइए। एक मिनट, मैंने अपनी बेटी का चरण और पवित्र संस्कार की झलक देखी। तुम्हें सबूत चाहिए था ना, तो ये रहा। बोलो अनामिका। चुप क्यों अनामिका? वो इसीलिए क्योंकि अनामिका का बड़ापन अभी भी पूजा के खिलाफ बोलने नहीं देता। लेकिन इसे बोलना होगा क्योंकि इसी ने हमारे खानदान की होने वाली बहू पे इल्जाम लगाया है और हम सब सच्चाई सुनना चाहते हैं। अनामिका बोलो। शुरू से ही मेरे मन में पूजा के लिए छोटी बहन का प्यार रहा है। मैंने पूजा का हमेशा भला चाहा, लेकिन पूजा के मन में बैठे शक और गलतफहमी को मैं दूर नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसकी इसी कमजोरी ने गंदा रूप ले लिया और उसने मुझे दूर करने के लिए मुझ पर जानलेवा हमला करवाया। ये झूठ है, झूठ बोल रही हो। उदय, ये मुझे फंसाने की साजिश है। उदय, तुम समझते क्यों नहीं? प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। सच तो ये है कि मैं उदय से बहुत प्यार करती हूँ।
किसी भी कीमत पर मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं गुस्से में कुछ भी गलत कह सकती हूँ, लेकिन किसी पर जानलेवा हमला नहीं करवा सकती होते। देखिए मैडम, हर अपराधी पकड़े जाने के बाद अपनी सफाई इसी तरह पेश करता है। हमारे पास आपके खिलाफ जो सबूत ये भी। असल में पूजा के कहने पे ही हमने अनामिका पे गोली चलाई थी। हाँ, अनामिका को किडनैप करके खत्म करने का प्लान पूजा का ही था। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ कह रहे हैं। ये सब क्या हुआ? शांत हो जाइए आप प्लीज। इन्हें ले जाओ। मैडम, ये चंद लफ्ज आपको निर्दोष साबित करने के लिए काफी नहीं है। आंटी, अंकल, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? दादी, दादाजी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे समझाइए ना। बेटी, हम लोग सच्चाई को साथ देते हैं और तुम अभी तक सच्चाई को साबित नहीं कर पाई। पूजा, सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है। पूजा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। हाँ इंस्पेक्टर, आप इसे ले जाइए। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। नहीं दादी, इस शुभ मुहूर्त पर यहाँ शादी जरूर होगी। उदय, मैं जानती थी कि तुम्हें मेरा प्यार ही वापस लेकर आएगा। नहीं पूजा, शादी होगी और अनामिका के साथ होगी। उदय, तू पागल तो नहीं हो गया? उदय, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? उदय, ऐसी भी क्या मजबूरी है? ठीक है, तुम पूजा से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अनामिका से शादी, ये ठीक नहीं है। और तुम अनामिका को अच्छी तरह से जानते भी नहीं हो। उदय, एक पल में किसी को ठुकरा देना और दूसरे पल में किसी को अपना लेना, ये गलत फैसला है। बहुत पछताओगे तुम, जिंदगी भर रोना पड़ेगा तुम्हें। बेटा उदय, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से। हाँ उदय, घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या त्याग देने का, दूसरा के आंसू पीने का हक सिर्फ तुम्हारा है? पूजा ने तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाला था ना, तो क्या तुम्हारे नाम पे लगा हुआ कलंक मिटाने का हक मेरा नहीं हो सकता? तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो ये भी मुमकिन है। लेकिन उदय, ऐसे हालात में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अनामिका, अनामिका, अगर तुम्हारे दिल में मेरे बारे में एक बार भी ख्याल आया तो तुम यहां से नहीं जाओगी। अनामिका, ये कोई ऐसा नहीं
कि तुम मेरे करीब आ रही हो, बल्कि सच्चाई तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। प्रवेश के दौरान खुला सर अच्छा नहीं लगता। लो बेटा, ये दुपट्टा अनामिका के सर पे रख दो। मुझे पाकर तुम खुश तो हो?
हाँ, लेकिन उदय, पूजा के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अनामिका, जहां तक शादी की बात है तो रिश्ते तो ऊपर वाले बनाता है, कोई किसी को किसी से नहीं छीनता और ना चाहकर किसी को छोड़ सकता है। जहां तक पूजा का सवाल है, उसे तो अपने कर्मों का फल मिलना ही था। आओ पूजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा नाम माँ आनंद शिला है। अर्धरात्रि से अब तक हमने बहुत ही घातक और विनाशकारी मंत्रों का जाप किया है। ये मंत्र जिस किसी भी प्राणी के विरुद्ध बोला जाए, उसे संसार की कोई मायावी शक्ति बचा नहीं सकती। बेटी, यह अद्भुत नारी माँ आनंद शिला तुम्हारे दुख भरी कहानी सुनने के बाद सदैव तुम्हारे साथ है। और एक बात बेटी पूजा, जीवन मिथ्या है लेकिन मिथ्याचार ही जीवन का आधार है। अर्थात जीवन एक झूठ है लेकिन झूठ बोलकर ही जीवन जिया जा सकता है। सच या झूठ, लेकिन मैं तुझे जीने नहीं दूंगी अनामिका। ये रहे मिस पूजा के जमानत के पेपर्स। चंदे जी साहब, मिस पूजा को ले आओ। अच्छा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो अभी आती है। मिस पूजा, आपकी जमानत हो गई है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। किसने की मेरी जमानत? मैं एडवोकेट वर्मा हूँ, मुझे माँ आनंद शिला ने। माँ ने? बताइए इंस्पेक्टर साहब, कहाँ साइन करना है? यहाँ। अब देखती हूँ अनामिका कि तुम्हें पूजा से कौन बचाता है। अपनी बेइज्जती का मैं सूद समेत बदला लूंगी।
अब देखना तुम पूजा का असली रूप।